हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पे बात करेंगे कि भैया सैलरी कितनी मिलने वाली है। बहुत मेहनत कर ली, पढ़ाई हो गई बहुत ज्यादा, कौन सी पोस्ट सबसे ज्यादा अच्छी है ग्रुप डी के अंदर, गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल पोस्ट कौन सी है, किस में प्रमोशन फास्ट होता है और कितनी छुट्टियां मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बेरोजगारी के टाइम में अगर आपके पास ये जॉब भी है तब भी आप बहुत ज्यादा ऊपर हो, क्योंकि आपके पास एक जॉब है और वो भी गवर्नमेंट, जिसके अंदर आप 30,000 से 35,000 रुपए आसानी से कमाएंगे। बहुत ही आसान है 30,000 से 35,000 रुपए, और 365 दिन में से 100 दिन आप लोग घर रहोगे, सिर्फ 265 दिन आप लोगों को काम करना है। यह एक बहुत बड़ी बात है। आप इस तरह के स्टेटस के साथ चलेंगे यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम उसी को पता है जो बंदे ने ट्राई किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसी को पता है कि आगे क्या हो रखा है और क्या आगे होने वाला है। तो लोगों के कहने में मत आइएगा, लोग क्या कहते हैं लोगों का कहने का काम है, ठीक है। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है वो भी बुराई करते हैं, और जिनके पास हैं वो भी बुराई करते हैं। तो आप सिर्फ अपने आप से संतुष्ट रहिए, दूसरे क्या कहते हैं इससे हमें मतलब नहीं है। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी उठाएंगे, किस तरह से। सिर्फ ये 33,000 रुपए सैलरी नहीं, ये 54,000 रुपए भी आपको मिलेंगे, ये 80,000 रुपए भी मिलेंगे, और पर ईयर मिलेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं ये 33,000 प्लस 54,000 प्लस 80,000 किस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। देखिए सैलरी आपको लिख रखी है, पैसे यहां पर लिख रखे हैं, फ्री पास, 50 छुट्टियां प्लस 50 छुट्टियों के साथ 52 हफ्ते जो हर हफ्ते आपके सामने आते हैं, क्योंकि हर हफ्ते भी तो छुट्टी मिलती है, तो 52 वो 50 आपकी छुट्टियां, कितने दिन की छुट्टी हो गई, 102 दिन की। ये बहुत बड़ी बात होती है, कभी प्राइवेट में छुट्टियां मांग के देखना, आपको पता चलेगा कि उनके हालात खराब हो जाते हैं छुट्टी देने के लिए। तो गाइज आप बहुत अच्छी जगह पे हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे तो ये वीडियो डिजिटल बोर्ड पे जाने वाली थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोगों को अभी भी हम बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बहुत अच्छे से कि भाई कौन सी पोस्ट सबसे ज्यादा अच्छी है, फिर हम आप लोगों की सैलरी पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं होस्टेल, एक टॉपिक पे आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिनने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहां पे क्या कंटेंट मिलता है। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैंने पोस्ट रखी है हॉस्पिटल अटेंडेंट, उसके पीछे मेरा कारण है। अभी क्या है, रेलवे ने टाई अप कर लिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, तो मैक्सिमम जो, अब देखिए एक बात बताइए, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि रेलवे हॉस्पिटल में जाना है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, इलाज रेलवे करवाएगी तो कहाँ जाओगे आप, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो इसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनका क्या होगा, मजे करेंगे ना। इसलिए ये पहली पोस्ट देखिए, ये पहले से भी अच्छी होती है, क्योंकि ये एक जगह स्टेशनरी जॉब है। हॉस्पिटल आप लोगों को पता है 10 बजे खुलना है, 5 बजे बंद होना है, कभी रात की भी ड्यूटी लग रही है, तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है कि भैया पूरी रात, क्योंकि जितने भी सीरियस केसेस आते हैं वो सब आगे चले जाते हैं। तो हॉस्पिटल, अब हमने भी देखा है जहां हम लोग काम करते हैं वहां पर हॉस्पिटल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो पूरे दिन बैठे रहते हैं, एक दो पेशेंट गए तो गए, बाकी बड़े हॉस्पिटल्स जो जिला हॉस्पिटल्स हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए मुरादाबाद है, तो वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है इसलिए वहाँ पे पेशेंट दिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। और इन्हें भी सर सर कह के बुलाते हैं, जब आप लोग अपने मेडिकल कराने जाओगे ये हॉस्पिटल अटेंडेंट ही आप लोगों को लेके जाएंगे कि आओ अंदर आओ, और आप लोग कहोगे सर क्या हुआ सारी चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल भी मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाली पोस्ट भी आजकल किस चीज पे रखी जा रही है वो आपको पता है, इसीलिए आपके पास जो पोस्ट है ये अच्छी पोस्ट है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो पोस्ट है बेस्ट पोस्ट है गर्ल्स के लिए भी, ये तीन पोस्ट गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा भी मैं बताऊंगा गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए, या उन लोगों ने प्रेफरेंस दे रखी है तो किस चीज को ज्वाइन करें वो जो आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आप लोगों को बताया हॉस्पिटल में काम है, जिसकी तरह मतलब आप डॉक्टर के असिस्टेंट हो, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि, या मान लीजिए मेडिकल चल रहे हैं लड़कों के, उस टाइम पे कुछ ये पेपर उधर रखवाना है, या आप लोगों को मान लीजिए रिसेप्शन पे बिठा दिया है, इस तरह के जो काम है वो आप लोगों को हॉस्पिटल अटेंडेंट को करने होते हैं, या डॉक्टर के पास है पेपर इधर से उधर पहुंचा दो, ये वाला काम कर दो, ये मतलब आप लोगों को एक तरह से असिस्टेंट हो आप उनके, जो वो काम कहेंगे वो आपको करना है। और ये एक बंदा नहीं होता है, अगर कहीं छोटा हॉस्पिटल है तब एक बंदा होता है, अदरवाइज 2-3 लोग रहते हैं ये नॉर्मली इतने बंदे, और जब बड़ा हॉस्पिटल है तो ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। इवन मैं तो ये कहूं कि जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर का स्पेशल बंदा है कि अगर ये पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो इनके पास एक हॉस्पिटल अटेंडेंट है, ठीक है गाइज। तो इस तरह के ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपकी पोस्ट आती है असिस्टेंट डिपो स्टोर,
ठीक है, ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट डिपो स्टोर, इसमें क्या काम है? देखिए जैसे रेल की कोई चीज़ खराब होती है, ट्रेन में मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो गई, तो वो चीज़ कहाँ से आती है? वो स्टोर से आती है। तो ये स्टोर जो है काफ़ी बड़े बड़े स्टेशन पर ये स्टोर बने होते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें आती हैं, तो स्टोर में बंदे बैठे हुए होते हैं। तो या आपने सुना होगा जब जेई की पोस्ट आती है तो वहां पे एक डीएमएस की पोस्ट भी आती है, ठीक है, जेई सीएमए डीएमएस इस तरह की पोस्ट आती है, और एक कमर्शियल अप्रेंटिसशिप की पोस्ट सुना होगा। तो ये वाली जो पोस्ट है ये डिपो में जो बैठते हैं आपसे ऊपर भी बैठे हुए होंगे, आपसे वो कहेंगे कि ये वाला सामान ले आओ, तो आपको वो सामान ला के दे देना। और इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान काम है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो ये जो पोस्ट है इसे मैंने दूसरे नंबर पर रखा है, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम करना पड़ रहा है आपको दिन में, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर काम जो होते हैं वो वर्कशॉप में शेड में वहीं जाके ठीक होते हैं, रेयर केस में। अब देखिए शेड में भी ये होता है, डिपो हर जगह होता है, अगर किस जरूरत पड़ेगी तो वहां से आप लोगों को सामान उठा के देना है, जिसकी परमिशन भी आप लोगों को एक बंदा देगा कि ये चीजें निकलवा के वहां पर भिजवा दो, ये चीज करवा दो, तो आपको निकाल के रखनी होती है बस। इसके अलावा बात करें, बाकी जाओगे तो थोड़ा बहुत और पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं दो मिनट की वीडियो में सब कुछ बता देंगे। बाकी है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट, भाई ये पोस्ट को मैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसके प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, इस पोस्ट पे आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एक एग्जाम होता है LDCE, लोअर डिपार्टमेंटल कोटा होता है इसमें, ठीक है, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कोटा, ठीक है, LDCE, और एक होता है जनरल वाला, ठीक है, GDCE। तो इसमें जो है ना लिमिटेड डिपार्टमेंट वाले में जो पोस्ट आती हैं उसमें सिर्फ यही लोग फॉर्म भर पाते हैं, गेटमैन हुए, ये गेटमैन तो अब है नहीं आपके पास, और तो आपके पास बेस्ट चांस होता है गुड्स गार्ड बनने का, स्टेशन मास्टर बनने का, तो ये सबसे पहले प्रमोशन पा जाते हैं। और इनका जो काम है नॉर्मली कुछ नहीं, ये एक तरह के छोटे स्टेशन मास्टर हैं साहब, स्टेशन मास्टर के साथ रहते हैं ये। स्टेशन मास्टर साहब मान लीजिए किसी काम में बिजी हैं, स्टेशन मास्टर साहब ने कहा जाओ झंडी दिखा दो, ट्रेन गुजरेगी उधर से लोको पायलट साहब दिखा रहे होंगे, उधर से उन्हें झंडी दिखाना है, खड़े होना है और देखना है ट्रेन को कि कोई जो व्हील है उसमें आग वाग तो नहीं लगी है, कुछ मतलब धुआं हुआ तो नहीं निकलना है, ये काम इनका है। और इसके अलावा मान लीजिए ट्रेन का आगे कोई गेट टूट गया, कुछ हो गया, तो इन लोगों को लोको पायलट को जाके क्वेश्चन देना होता है, इतना ही इन लोगों का काम है, इससे ज्यादा ये कुछ करते नहीं है। शंटिंग, जैसे गाड़ी आई, अब मान लीजिए कहीं पे इंजन घुमाना है तो क्या होगा, ये लोग वहां पे जाके कपलिंग को काटते हैं, ठीक है, मतलब कपलिंग को काटते नहीं, मतलब वहां पे कपलिंग को जोड़ना और तोड़ना वो वाला काम है इनका। इंजन में साथ में खड़े होकर जाते हैं, एक जना नहीं दो लोग जाते हैं और खड़े रहते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या क्या करना है, जो क्वेश्चन में लोको पायलट साहब को ला के देते हैं कि ये काम होना है वो भी यही बताते हैं। तो इनका काम भी काफी अच्छा है, जिससे लड़कियां भी बड़ी ही आसानी से करा सकती हैं, क्योंकि अभी आपने डीएफसी में देखा होगा एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई थी, उस पोस्ट पर भी यही काम कर रहे हैं, मतलब असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसा ही काम है, वहां पर भी वो लोग संटिंग वंटिंग सब करवाते हैं। तो ये आप लोगों का असिस्टेंट पॉइंट्समैन का काम रहा, बाकी स्टेशन मास्टर जो बोलते हैं ये उनका काम करते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड एसी, ये जो है इनका काम दो तरह का होगा। देखिए एक तो वहीं पर रहेंगे ट्रेन में, जो बड़ी बड़ी ट्रेन है जैसे राजधानी ट्रेन है इनमें तो रहते ही रहते हैं, तो एक टेक्नीशियन रहेंगे, एक उनके साथ हेल्पर रहेगा, वो आप होंगे जो असिस्टेंट होंगे उसके, ठीक है। तो अब क्या है, मान लीजिए कुछ काम कर रहा है टेक्नीशियन, तो वो आपसे कुछ मांगता है कि ये उठाना, तो आपको वो उठा के देना है, या उसकी हेल्प करनी है, वहां पर वो काम कर रहे हैं तो आपको यहां पर काम करना है, बस इतना सा काम है इनका और कुछ नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये रहे असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड एसी रनिंग में, जब रनिंग रहेंगे। दूसरे जो लड़के लोग रहते हैं वो रहते हैं वर्कशॉप में, तो अगर कोई गर्ल मतलब लड़की पोस्टेड होती है तो उसके ज्यादातर चांसेस होंगे कि उसे वर्कशॉप में ही रखा जाए। वर्कशॉप में क्या, मान लीजिए कोई ट्रेन है उसकी ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम आ रखी है, तो वो ट्रेन कहाँ जाएगी पूरी की पूरी? अब वो अकेला असिस्टेंट के टेक्नीशियन तो सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता ना, तो वो ट्रेन जब वर्कशॉप में जाएगी तो वहाँ पे जाके वो चीज़ें ठीक होंगी, या शेड वेड में जाएगी तो वो वाली चीज़ें वहाँ पे ठीक होंगी। उसके बाद है वर्कशॉप में, शेड में, कैरेज एंड वैगन में, जितने भी काम हैं उसके बाद जो असिस्टेंट आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप वाले, कि वर्कशॉप में कोई काम है। ये मैं क्यों रख रहा हूँ, देखिए ये स्टेशनरी पोस्ट हो गई, ये भी स्टेशनरी पोस्ट हो गई, मैक्सिमम केसेस में ये भी स्टेशनरी पोस्ट है, लेकिन आजकल क्या है पॉइंट्समैन कम रहते हैं, तो इनको यहाँ काम कर रहे हैं मान लीजिए मुरादाबाद में, तो उसके बराबर वाले स्टेशन पर भेजा जा सकता है, तो उसको उनका अलाउंसेस मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए एक दिन के 500 रुपये मिलेंगे अगर आप 12 घंटे बाहर रहोगे, तो अगर लगभग 6 घंटे रहोगे तब आपको 350 मिलेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, अभी सैलरी में समझाऊंगा मैं वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है वर्कशॉप, शेड, कैरेज एंड वैगन, इसमें क्या है असिस्टेंट है। अब मान लीजिए टेक्नीशियन काम कर रहा है, ठीक है, टेक्नीशियन अंदर घुसा हुआ है, कोई चीज देख रहा है,
तो वो अगर कुछ उठवाएगा तो वो आपको उठा के देना है। जैसे डीजल मैकेनिक हेल्पर की जॉब है, तो अगर वो डीजल इंजन में कुछ काम कर रहा है अंदर है तो आपको उसकी हेल्प करनी है। ये है उनके हेल्पर, मतलब एक तरह से असिस्टेंट हो उनके, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। उनके नहीं, आप रेलवे के असिस्टेंट हो और आपकी पोस्ट है तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि इंजीनियर का असिस्टेंट हो गया वो, ठीक है। तो या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मतलब ये नहीं है कि सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट हो गया वो, तो ये वाली चीजें मत सोचना कि, या असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब ये नहीं है कि वो लोको पायलट का असिस्टेंट हो गया, आपकी पोस्ट का नाम है, ठीक है, उस चीज से आप घबराइए नहीं। तो वर्कशॉप, शेड, कैरेज एंड वैगन, इनको क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेशनरी पोस्ट है, आपको कहीं जाना नहीं है, वर्कशॉप है वहीं पर रहेगी। तो कई जगह पे वर्कशॉप मान लीजिए 6 दिन खुल रही है, टाइम टू टाइम खुलती है, दिन में खुलेगी फिर रात को तो नहीं कर ली, कई जगह पे रात को भी चल रही है, तो आपकी एक शिफ्ट होगी जिसमें जाके आपको काम करना होगा और बाकी शाम को अपने घर जाके सोओगे, और इसमें आप लोगों को आसानी से छुट्टी भी मिल जाएगी। शेड का भी यही हाल है और कैरेज एंड वैगन में भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये भी एक तरीके से कि मान लीजिए कहीं पे, लेकिन ये 24/7 भी अवेलेबल रहना पड़ जाता है इन्हें। मान लीजिए कहीं पे सिग्नल खराब हो गया, आप टेक्नीशियन क्या करेंगे, टेक्नीशियन है जेई है अपने साथ असिस्टेंट को लेके जाएंगे, जिससे कि कोई भी काम करना पड़े तो वो भी हेल्प कर सके। अगर टेक्नीशियन अकेला है तब अकेला भी ठीक करके आएगा, अदरवाइज एक असिस्टेंट उनके साथ जाते हैं, तो आपको 24/7 भी अवेलेबल रहना पड़ सकता है, लेकिन जो आसान है, बाकी 24/7 आप लोग अवेलेबल रहते हो, टेक्नीशियन भी और भी एसएनटी में, लेकिन जॉब ऐसा नहीं है कि हर समय सिग्नल खराब होते रहते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग है मान लीजिए मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद में एक एसएनटी वाले नहीं होंगे, कई सारे एसएनटी वाले होंगे, ठीक है गाइस। तो अब मान लीजिए छोटे स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग है कहीं कस्बे में किसी, तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि रोज रोज सिग्नल खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर सिग्नल खराब होगा तो आपको रात के 12 बजे भी कॉल करके बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो गाइस ये आप लोगों के रहे पोस्ट, तो इसमें सबसे अच्छे जो प्रमोशन के चांसेस होते हैं वो मैंने इन्हीं के देखे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लड़के गुड्स गार्ड बन गए हैं, बहुत सारे लड़के एसएम में चले गए हैं, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, सबसे ज्यादा जो इनकी वैकेंसी जो है आती रहती हैं, और ये एलडीसी के थ्रू, क्योंकि जीडीसी क्या है, इसमें सारे के सारे एम्प्लॉय फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एलडीसी में सिर्फ लिमिटेड डिपार्टमेंट, इनका जो डिपार्टमेंट है ना उसी में आते हैं गुड्स गार्ड और वो स्टेशन मास्टर, इसलिए इनको बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं। एक गेटमैन की पोस्ट अच्छी होती थी, उस पर भी लड़कियां काम करती हैं, इवन मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है काम करते हुए, कुछ काम नहीं है, आजकल बटन वाले गेट आ गए, बटन दबाओ काम खत्म, कुछ नहीं करना है उसमें भी, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन वो वाली पोस्ट आप लोगों को पता है सब चली गई है, तो वो आपको पोस्ट मिलनी नहीं है। लेकिन गर्ल्स के लिए भी वो पोस्ट अच्छी थी, तो फिलहाल गर्ल्स के लिए ये सारी की सारी पोस्ट पर गर्ल्स काम कर सकती हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी पोस्ट है, ऊपर की 3 पोस्ट उनके लिए बेस्ट हैं, जिसमें कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट और भी ज्यादा बेस्ट है, स्टोर में भी काम कर सकती हैं, जैसे मेडिकल में दवाइयां उठा के देते हैं ऐसे स्टोर में सामान उठा के देना है, ठीक है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, ये भी स्टेशन मास्टर के साथ काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड एसी वर्कशॉप में बड़ी आसानी से काम कर सकती हैं, रनिंग में करें या ना करें, लेकिन वर्कशॉप में अच्छे से काम कर सकती हैं। वर्कशॉप, शेड, कैरेज एंड वैगन में भी हेल्प कर सकती हैं, जेई भी लड़कियां रहती हैं आजकल, टेक्नीशियन भी लड़कियां रहती हैं, तो उनके साथ आप लोग काम कर सकते हो, हो सकता है वहां पे आपको कोई दूसरा काम दे दे, वो अलग बात है। ये असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन तो आप लोगों को पता ही है, तो ये वाली जो पोस्ट है गर्ल्स के लिए भी बेस्ट है। अब बात करते हैं आपकी बहुत ही अच्छी चीज की सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी 18,000 रुपए है, जो 2016 से पहले कुल 7,000 के आसपास होती थी, 7-7.5 हज़ार, तो अभी 10 साल होने वाले हैं 2026 में, भले ही 8वां पे आए ना आए, लेकिन आपकी सैलरी रिवाइज होगी, इस चीज को याद रखना। तो ये 18,000 से बढ़ के हो सकता है इसकी सुनने 26,000 रुपए हो जाए, ये बड़ी आसानी से, ठीक है गाइज। तो वो तो अभी छोड़िए, बेसिक सैलरी आपकी 18,000 है, डीए 38% है, तो मैंने इसे 40% करके 18,74,000 कर लिया, तो लगभग 7,000 के आसपास आपका इस टाइम पे डीए आएगा, जो हर 6 महीने में बढ़ता है, हर 6 महीने में बढ़ेगा ही, महंगाई के हिसाब से जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ये बढ़ेगा। एचआरए आप लोगों का 3600 मैंने माना है, देखिए 9% 18% 27% मिलता है बाकी इंप्लॉयज को, लेकिन ग्रुप डी का शायद फिक्स है 1800 3600 5400, ठीक है। तो अगर आप देखिए सिटीज पे डिपेंड करता है, मेट्रो सिटी में है तो अब आप लोगों को 5400 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल सिटी में है तो आप लोगों को वही मिलेगा 18×36 3600 रुपये। तो मैंने क्या माना है कि ज़्यादातर लोग ग्रुप डी के एम्प्लॉय जो है वो रहते हैं 9% या 18% में, तो मैंने इन तीनों के बीच की कैटेगरी मान लिया 3600 रुपये, इसे 1800 रुपये भी माना जा सकता है, क्योंकि 1800 भी बहुत ज़्यादा लोग 1800 की कैटेगरी में ही रहते हैं। एनडीए का मतलब है नाइट ड्यूटी अलाउंस, जब नाइट में ड्यूटी करोगे तो उसका भी आप लोगों को पैसा मिलेगा।
ये मान लीजिए मैंने 1 से 2 हज़ार रुपये मान लिया, जरूरी नहीं है कि सब लोग नाइट ड्यूटी करें, तो 1 से 2 हज़ार रुपये मान लो उसको। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैकमैन को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैकमैन को, जिसमें अभी शायद 3 हज़ार रुपये की वृद्धि हुई है, तो अब करीब 5 हज़ार प्लस ये हो गया है लगभग, लेकिन अभी मान लेते हैं 2700 रुपये है, लेकिन इसकी मांग चल रही है 10 हज़ार रुपये होने की। ठीक है, ये 10 हज़ार रुपये हो सकता है कभी भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ। पूरे रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं, जो जिनके कंधों पर रेल टिकी है ना, वो यही लोग हैं। इनके अगर ये लोग हार मान के बैठ जाए ना, तो कुछ नहीं हो सकता भाई। धूप हो, बरसात हो, हर समय इन लोगों को मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ, मेरी तरफ से इन लोगों को सैल्यूट है भाई। इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, चाहे कोहरा हो चाहे धूप हो, हर समय ये लोग काम करते हैं। तो इन हार्डशिप अलाउंस 10 हज़ार रुपये मिलना चाहिए, मतलब सैलरी तो इनकी देखो ही मत, क्योंकि इन लोगों की बहुत मेहनत है। ठीक है गाइज, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मैं बात करूँ तो ये 1000 से लेकर 1200 रुपये तक फिक्स है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको स्टेशन से दूर भेज दिया, 8 किलोमीटर से अगर आप दूर जा रहे हैं स्टेशन से और रेलवे के मकसद से जा रहे हैं, तब आप लोगों को 30%, 70%, 100% इस तरह से कुछ मिलता है। तो अगर आप लोग 3 घंटे तक ड्यूटी करते हैं या उससे कम आप लोग स्टेशन से बाहर रहे, तब आपको 150 रुपये उस दिन के। अगर आप मान लीजिए लगभग 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक इनके बीच में आपने काम किया है, तो आप लोगों को 350 रुपये, और अगर आप लोगों ने 12 घंटे या उससे ज़्यादा काम किया है, तब आप लोगों को 500 रुपये उस दिन के मिलते हैं। तो गाइज ये बहुत अच्छी बात है, और इसका भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा ये लोग भी बना लेते हैं, चाहे वो असिस्टेंट ट्रैकमैन हो, गैंगमैन हो, या असिस्टेंट पॉइंट्समैन, तो आजकल जाते ही हैं, तो वो लोग भी पैसा बना लेते हैं। इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो 18,000 से 26,000 रुपये, HRA मान लीजिए 3,000 रुपये मान लीजिए, ठीक है, 26,000 से 29,000 रुपये। वैसे मैंने क्या माना था, 18,000 से 26,000 और 3,600 ये हो गए, तो आप लोग क्या हो गए 29,600, और 1,000 से 2,000 NDA होगा, तो इसे 1,400 मान लो। ठीक है गाइस, तो ये हो गए आप लोगों के कितने, 18,000 से 26,000, 3,000, 29,000, 30,000, 31,000 रुपये हो गए, 1,400 रुपये अगर मानने, और रिस्क अलाउंस 2,700 है ही, तो 31,000 और 3,000, 3,400 हो गए, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 35,000। तो मैं 35,000 छोड़ के आप लोगों की सैलरी लेके चलता हूँ 30,000 से 35,000 के बीच में। बाकी इन डेप्थ हम बात करेंगे आराम से, ठीक है, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं उसके बारे में बात करेंगे। 54,000 रुपये हर साल आपको मिलेंगे, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का पैसा मिलता है 27,000 रुपये पर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तब उसको 80,000 रुपये मिलता है, ठीक है गाइज। और प्लस 50 छुट्टियां आपकी हैं, जिसमें 10 CL होती हैं कैजुअल लीव और 30 EL होती हैं, ठीक है, अनलीव बोलते हैं कई जगह पे, LAP बोलते हैं इनको, ठीक है, और 10 SL मिलती हैं, उसे LHAP भी बोलते हैं। इन्हें 20 भी कर सकते हो, मतलब आधे आधे दिन की आप 20 छुट्टी ले सकते हो, जिसे मैंने पूरी छुट्टियों में 10 जोड़ा है। इस तरीके से आपके पास ओवरऑल छुट्टियां हो जाती हैं 50, और 52 हफ्ते साल के, तो 50 और 52, 102 तो होती हैं आपके पास छुट्टियां। तो इस तरीके से गाइज ये आपका पूरा था, तो मैंने आप लोगों को पूरा बताया। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा, और इसके आगे अब मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी वीडियो लाने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं, टोटल छुट्टियां किस किस तरीके की होती हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोई माँ गर्भवती, कोई लड़की है जो गर्भवती है, उसे 6 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। मान लीजिए आपकी वाइफ गर्भवती है, ठीक है, तो आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेंगी हर बच्चे पे, 2 बच्चों तक, ज्यादा बच्चे मत कर लेना, कभी 10 बच्चे कर लो, सोचो कि 15-15 दिन की छुट्टी ले लूंगा 150 दिन की, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन पहला बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा अगर जुड़वा पैदा हो गया, तब उसको भी 27,000 रुपये मिलेंगे, फिर आपको 27,000 या 81,000 रुपये साल मिलेंगे। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे आपके बस में भी नहीं है। तो गाइज चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन, जरूर से जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जरूर से जरूर बताइएगा। डेली आप टॉपिक्स बताइए, उन टॉपिक्स को हम लोग लाएंगे आपके सामने, वीडियो बनाएंगे। टेक केयर।